चलो अपनी पैंट उतारो। मैम आपने मुझे यहाँ पे जॉब के लिए बुलाया था ना? मैंने ना तुम्हें बाहर ही देख लिया था जब तुम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, उसी वक्त ना तुम मुझे बहुत पसंद आ गए थे, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि इस लड़के को सबसे पहले मेरे कैबिन में भेजो। सॉरी मैम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इंटरव्यू हो गया क्या? अजीत, तुमने ही कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की थी ना? जी मैम। कितना अमाउंट बोला है तुमने इनको? व्हाट्स योर गुड नेम? सागर गुप्ता। लेट मी चेक। सागर, मैंने आपको 5 लाख CTC बताई थी। ओके अजीत, यू कैन गो नाउ। और सुनो, बाहर से मेरा कैबिन लॉक कर देना, जब तक मैं ना बोलूं किसी को अंदर आने मत। ओके मैम, थैंक यू। हाँ तो हमारी कंपनी ने तुम्हें कितना ऑफर किया है पर एनम? मैं ना वो 5 लाख रुपए तुम्हें अभी के अभी दे दूंगी, बस तुम ना अपनी पैंट उतारो। क्या हुआ? 5 लाख रुपए अभी के अभी? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें ना ये 5 लाख रुपए बहुत कम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए की जगह पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। ये तो ठीक है ना तुम्हारे लिए? अरे क्या हो गया, इतना क्या सोच रहे हो और किस बात की शर्म? तुम तो लड़के हो, तुम्हारे लिए तो ये काम बहुत इजी है। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए तुम्हारे लिए बहुत होंगे। अगर सोचो तुम किसी कंपनी में 3-4 साल भी काम करोगे तो भी तुम 15 लाख रुपए कभी सेव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़की होती तो वो ये ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन तुम लड़के होकर इतना नाटक क्यों दिखा रहे हो और तुम्हें किस बात की शर्म? ओ तो तुम्हें 15 लाख रुपए भी कम लग रहे हैं। एक मिनट रुको, ये रहे 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए इसमें, पूरे 20 लाख रुपए। अब तो तुम मान ही जाओगे। अगर तुम जैसे लोग जिंदगी भर भी मेहनत करोगे ना तो भी 20 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे, तो फिर देर किस बात की है? देखो एक बात तो मुझे तुम्हारी समझ आ गई है कि तुम मुझे मना करने वाले नहीं। अगर तुम मुझे मना करने वाले होते ना तो तुम कब के उठ के यहाँ से जा चुके होते। लेकिन अब तक तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, इसका मतलब तुम्हें हाँ ही करनी है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है ना तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब तुम मुझे अपने मुंह से बताओ कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए। मैडम मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे वैसे काम नहीं करता। आई एम सो सॉरी। अब 20 लाख रुपए नहीं चाहिए तो 30 लाख रुपए, 30 भी नहीं तो 40, ठीक है फिर 50 लाख तो बहुत होंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें दूंगी पूरे 1 करोड़ रुपए। अब तो ठीक है, बहुत होते हैं 1 करोड़ रुपए। चलो अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो, सोचो मत, फटाफट उतारो। मैम नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सब। और मैडम रही बात पैसों की, तो मेरी किस्मत में होंगे तो मैं कमा लूंगा। और मैडम आपने क्या बोला था, तुम लड़के हो लड़की नहीं, तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या मैम लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? हम लड़के हैं तो हमें कोई भी कुछ भी आके ऐसे ही बोल देगा। अगर मैम मेरे जगह कोई लड़की होती और आपकी जगह कोई लड़का होता ना, तो अब तक ना वो लड़की केस कर देती उस लड़के के ऊपर, क्योंकि कानून भी ना सिर्फ लड़कियों के लिए बना हुआ है, लड़कों के लिए ना कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं बोलता। मैडम जितनी लड़कियों की इज्जत होती है ना उतनी ही लड़कों की होती है। और रखिए अपने पैसे अपने पास, मैं चला। अच्छा सुनिए। जी मैडम बोलिए। मिस्टर सागर, मैं बस आपका टेस्ट ले रही थी, मुझे ये जानना था कि आप ईमानदार इंसान हैं या बेईमान, क्योंकि आजकल लोग ना पैसों के लिए अपना मान धर्म सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन आप एकदम वफादार निकले, एकदम ईमानदार निकले, जिसने ये नहीं सोचा कि मैडम एक छोटे से काम के लिए मुझे इतने सारे पैसे ऑफर कर रही है। मैं ये छोटा सा काम कर देता हूँ, उतार देता हूँ अपनी पैंट और ले लेता हूँ 1 करोड़ रुपए। तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, तुम कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज मिस्टर सागर मुझे माफ कर देना, मैं मानती हूँ मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मुझे ना अपनी कंपनी में
ईमानदार लोग चाहिए, ना कि चोर और बेईमान। थैंक यू सो मच मैम।